हाल बहुत बिगड़ती नजर आ रही है। वायरस का फैलाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आवाम की तरफ उसके लिए कुछ इकदाम उठाने होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद फराज और आप देख रहे हैं जमाली टीवी। पीएम खुद को बेबस दिखाते हुए आवाम से खिताब कर रहे थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि लेबर को राशन मुहैया करने के जराए नहीं है। मतलब पीएम खुद बेबस और लाचार है, तो आवाम की हौसला अफजाई कैसे और कौन करेगा? वैसे तो पीपल्स पार्टी ने इतना कुछ नहीं किया पिछले या इस दौर में, मगर कोरोना वायरस के रोकथाम के मैदान में सबसे आगे नजर और चुस्त दिख रहे हैं। उनकी पॉलिसीज काबिले तारीफ और आवाम के हक में पाए गए। अकॉर्डिंग टू हिम इट्स केयर फॉर यू नॉट लॉकडाउन। और हमारे पीएम साहब के पास वसाइल नहीं, और सीएम सिंध का दावा सबको राशन देने का। सीएम पंजाब दूसरे शिफ्ट में और सीएम बलूचिस्तान तीसरे शिफ्ट में कोविड-19 के हालात में उनके भी खिदमत काबिले तारीफ हैं। अवाम की हिफाजत के लिए हुकूमत ने क्या किया? जब हुकूमत पे बुरा वक्त आया तो अवाम ने मिलकर हुकूमत की मदद की और डैम के लिए भारी रकम दी गई। वो रकम कहाँ है या उस डैम का क्या बना? जब इस बुरे वक्त का खदशा था तो मास्क और सैनिटाइजर कहाँ और क्यों गए? हमारे पास अगर वसाइल नहीं तो एटलीस्ट जो वसाइल हैं उन पे तो चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है। अभी तक सेफ्टी मास्क और हैंड सैनिटाइजर नहीं मार्केट में, अगर है भी तो भारी रकम की डिमांड की जा रही है। कौन करेगा कंट्रोल इस पे, हुकूमत या आवाम? फैसला आपका।